भाई ये वाला गाड़ी पसंद आ रहा है भाई। 700 किलोमीटर गाड़ी चला है, ये दोनों 75, मतलब ये 1.5 साल का गाड़ी है। और ये वाला जो जुपिटर पुपिटर जो भी है, जुपिटर और एक्टिवा, ये 45 करके दाम बोल, ये दोनों 45,000 रुपया करके, ये दोनों साइन। देखते हैं कौन सा। फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो आज है संडे, तो संडे के दिन हम लोग क्या करते हैं ना, जब बचपन में मतलब जब 18-20-22 साल का उम्र हम लोग का जब था, संडे संडे सुबह ढाबा के लिए जाते थे, ढाबा राइड के लिए जाते थे, फिर शाम को कहीं ड्राइव के लिए निकल गए दोस्तों के साथ। तो आज उसी जगह में आ गया हूँ, मतलब हम लोग का ये एकदम नियर बाय में पड़ता है ये जगह, मतलब कितना एकदम मतलब मेरा एरिया का ही बोल सकते हो, आसपास में ये जगह पड़ता है, कोना में पड़ता है ये जगह। कोना हाईवे से मेरा घर ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 किलोमीटर दूर है, मतलब हाईवे से एकदम सटे हुए हम लोग रहते हैं। थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा दूर होता है, तो एकदम हाईवे के सटे हुए एकदम में पड़ते हैं। तो उसी जगह आए हैं आज डिनर करने के लिए। तो चलो मैं दिखाता हूँ मेरा एरिया का सबसे फेमस ढाबा। और ये देखो हाईवे, ये हो गया कनेक्टिंग हाईवे, ये इधर चला जाएगा खड़गपुर और इधर चला जाएगा डानकुनी होते हुए दिल्ली रोड, ठीक है। ये कनेक्टिंग हाईवे है, NH6 से NH2 को जोड़ता है ये हाईवे। तो चलो ढाबा में चलते हैं। ये एकदम थोड़ा सा अंदर में है ढाबा, वो उसके अंदर में है, एकदम ओपन में नहीं है, तो इसीलिए बहुत आदमी का नजर में नहीं पड़ता है। लेकिन ये लोकल में हावड़ा के इस पार में अगर कोई है तो ये सब कोई ढाबा जानता है। ये ढाबा का नाम भी मैं बता देता हूँ, न्यू लुधियाना ढाबा। इसका दो ब्रांच है, एक ब्रांच हो गया अंकुर हाटी में पड़ता है, एक ब्रांच हो गया ये जयपुर पुणे हाईवे एक्सप्रेस वे के मोड़ में पड़ता है। चलो चल के लेके जाके दिखाते हैं आप लोग। देखो ये वाला आ गए हैं, ये वाला होटल है न्यू लुधियाना ढाबा, तो यही वाला है। देखो अंदर में AC फैमिली रेस्टोरेंट है, और ये वाला पूरा ओपन स्पेस है। ये देखो कितना सुंदर ओपन स्पेस है, एकदम मस्त, एकदम लाइट फाइट लगा के, यहाँ पे पार्किंग का भी फैसिलिटी है सामने, वहाँ पे देखो हाईवे जा रहा है, मस्त जगह है ये। मैं पूछ के आप लोगों को बता दूंगा कितना बजे तक खुला रहता है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन भाई यहाँ का खाना भाई एक नंबर खाना होता है यहाँ का। देखते कौन सा क्या ऑर्डर देते हैं नहीं देते हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा क्या ऑर्डर दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, सब चीज़ बता दूंगा, कैसा टेस्ट है नहीं है सब टेस्ट करके बता दूंगा। बहुत ही टेस्टी खाना होता है, आप लोग अगर आए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, ये बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है। और ये वाला एक तो ब्रांच है, और जब मैं पहले बोला ना इन लोगों का और एक तो ब्रांच है अंकुर हड्डी के साइड में, मस्त खाना बनाता है। तो देखो भाई इन लोगों का मेनू कार्ड देखो, न्यू लुधियाना ढाबा, नंबर वंबर सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग रेट देख लो, रेट यहाँ का भाई वाजिब रेट है, एकदम बहुत ही मतलब रिजनेबल रेट है। चाय का जो खाना जो है वो चीज आप लोग पॉज करके पढ़ लेना थोड़ा सा, आप लोग देख लो ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देख लो कितना एकदम रिजनेबल रेट है, एकदम ज्यादा दूर भी नहीं है कलकत्ता से। आप लोग तो जाते ही हो कोलाघाट हो गया, कहीं भी अगर सिंगूर साइड में जाते हो, ये देख लो पीछे वाला मेनू में बहुत ही अच्छा अच्छा खाना मिलता है भाई यहाँ। एक बार यहाँ पे आके आप लोग खा के ट्राई कर सकते हो भाई, मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा ये जगह में। अभी तो 10 बज रहा है, थोड़ा सा खाली हो गया है, शाम के टाइम में आओगे ना यहाँ पे पूरा भीड़ मिलता है, खाना भी एक नंबर। देखते क्या क्या चीज, पहले तो चाय का ऑर्डर दिए हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद देखते क्या ऑर्डर दिया जा सकता है खाना। ये आप लोग देख लो एड्रेस देख लो, नेशनल हाईवे 6 बॉम्बे रोड चामराइल हावड़ा। इनका आप गूगल मैप में मारोगे तो एकदम पूना मोड़ से आप लोग डानकुनी साइड में जाओगे, थोड़ा सा आगे आओगे इंडियन ऑयल का साइड, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है उसके ठीक सामने में ही पड़ता है, एकदम लगा हुआ, थोड़ा सा अंदर में है बस अब कुछ बात। ये देखो फर्स्ट में चाय ले लिए भाई, इनका चाय मस्त होता है, आप लोग कलर देख के समझ जाओ किस टाइप का चाय है भाई, एक नंबर चाय है, ज्यादा दाम भी नहीं है, 20 रुपए करके पर कप है। तो चाय का पहला चुस्की, पूरा मूड खोलने वाला चाय है भाई, एक नंबर चाय है। चलो हम लोग फिलहाल तो चाय पी रहे हैं, ऑर्डर दिए पनीर बटर मसाला और रोटी ऑर्डर दिए हैं, देखते कितना देर में आता है, उसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ। चाय तो भाई ये पूरा एकदम गजब, वो मोती महल वाला चाय है अहमदाबाद का, उस टाइप का चाय है, देखते कितना देर में खाना आता है। चलो ये देखो पनीर बटर मसाला भाई, देख के तो भाई एक नंबर लग रहा है, पहले फोटो उठा लेते हैं। और रोटी मंगाए, ये एकदम तवा रोटी है, वो मैदा का रोटी उतना पसंद नहीं आता है हम लोगों को, इसलिए मैं आटा वाला रोटी मंगाया। और ये पनीर बटर मसाला देखते हैं, ये पहले खाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या मंगवा जाए, पहले इसको खा लेते हैं। चलो ये देखो भाई, ओह पनीर देख के ही लग रहा है बहुत टेस्टी, ये देखो ओह मैं टेस्ट करके बता देता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ये देखो पनीर में काट के एक पीस दिखा रहा हूँ, ये देखो कितना सॉफ्ट पनीर है, ये देखो बहुत ही सॉफ्ट पनीर है, मतलब बहुत ही फ्रेश पनीर है ये। चलो ग्रेवी में टेस्ट करके बता देता हूँ,
ये मेरा अभी तक का खाया हुआ बेस्ट पनीर बटर मसाला है भाई, इतना टेस्टी है। चलो रोटी के साथ पहले देखते हैं, ट्राई करके कैसा लगता है। ये थोड़ा सा पनीर लिए, अब ग्रेवी यहाँ पे रखा हुआ है, ग्रेवी में दिए। ग्रेवी लेने एक नंबर टेस्ट कैसा है? एक नंबर इसका भाई टेस्ट एक नंबर होता है खाना का, इसलिए इतना पसंद है। हम लोगों के एकदम सामने पड़ता है, मतलब 10 से 15 मिनट लगेगा हम लोगों का घर यहाँ से। चलो देखते हैं, ये वाला खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या मंगवाते हैं हम लोग। उसके बाद अगर खाने का मन करेगा तो खाएंगे, नहीं तो कुछ दूसरा चीज मंगाएंगे। जो भी मंगाएंगे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये मैं पहले खा लेता हूँ, उसके बाद मैं अंदर जाके दिखा दूंगा। अंदर में भी सीटिंग पैसेज है, एसी का मस्त जगह है, मैं दिखा दूंगा। क्या पहले खा लेता हूँ उसके बाद दिखा दूंगा। ये देखो खाते खाते हम लोगों का तो प्लेट खत्म हो गया रोटी, तो ये दो दो करके रोटी लिए थे। फिर ये हम लोग चिकन बटर मसाला मंगाए, ये कलर देख के आप लोग समझ जाओ कितना टेस्टी होगा। देखते हैं कैसा टेस्ट है। चिकन का पीस भी सही सही है, मतलब ठीक है चिकन का पीस। अरे बाप रे, अरे देखो बाप रे बाप। प्लेट में चार पीस दिया था चिकन बटर मसाला, चिकन का पीस सही है। ये देख लो आप लोग, और ये देख लो सेम है बोल सकते हो। टेस्ट करके मैं बताता हूँ, थोड़ा लाल लाल टाइप का ग्रेवी है। ग्रेवी से पहले टेस्ट करते हैं। पनीर बटर मसाला थोड़ा सा स्वीट टाइप का था, ये वाला टोटली अलग। ये वाला थोड़ा सा स्वीट स्पाइसी चटपटा टाइप का मस्त लग रहा है खाने। चिकन एक बार तोड़ के मैं दिखा देता हूँ आप लोग। चिकन ये बॉडी पीस है, देखो आप लोग ये बॉडी पीस है। ये थोड़ा सा मेरे को हार्ड लग रहा है, हाँ चिकन थोड़ा सा हार्ड है भाई। थोड़ा सा हार्ड नहीं, अच्छा ही हार्ड है चिकन का। मैं बोलूंगा उनको चिकन का पीस थोड़ा सा हार्ड था, जो भी बोलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। उन लोगों के ऊपर है, अगर बोले एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया तो मैं कुछ कर नहीं सकता भाई। भाई हम लोग का प्लेट देख के आप लोग समझ जाओ कितना टेस्टी खाना था। ये देखो देख रहे हो ऐसा होता है खाना, ये नहीं कि वेस्ट एकदम। थोड़ा खाया, थोड़ा ऐसा ऐसा मुंह में लगाया, टेस्ट किया, फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है खाना। खाना को एक्सपेक्ट करना जानना पड़ता है। और एक तो चीज मैं दिखा देता हूँ, ये देखो अल्कोहल फ्री जोन, यहाँ पे कोई भी अल्कोहल सर्व नहीं होता है। ये उंगली चाट के खाना वाला, आप लोग देखे हम लोग कितना सारा खाना खाए, तीन जन का खाना हुआ भाई। हम लोग का बिल मालूम है कितना हुआ, मैं दिखाता हूँ बिल आप लोग। ये देखो भाई, आप लोग देख लो, मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो ये पनीर बटर मसाला 195, चिकन बटर मसाला 120, रोटी 66, मतलब 11 रोटी लिए हम लोग 6 रुपया करके, और एक चाय 20 रुपया, 501 रुपया हुआ है। चलो इसको पेमेंट करते हैं, फिर आप लोगों को अंदर में ले जाके दिखाते हैं। ये देखो इन लोगों का अंदर में, ये वाला हो गया इन लोगों का किचन, ठीक है। ये वाला अंदर का पार्ट है, यहाँ पे कैश काउंटर है, और अंदर में ये वाला हो गया फैमिली रेस्टोरेंट, अभी तो बंद हो गया है। ये देखो इन लोगों का सब बंद करने का टाइम आ गया, इन लोगों का हो गया फैमिली रेस्टोरेंट, मतलब एकदम छिम छम टाइप का, ज्यादा उतना हाईलाइट नहीं है, ये नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अंडररेटेड है, लेकिन भाई खाना एक नंबर मिलेगा आप लोग। ये देखो अभी टाइम 12 बज रहा है, तो 12 बजे इन लोगों का बंद हो जाता है। हम ही लोग लास्ट थे खाने का, तो हम लोग थोड़ा सा घूम के आए, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन भाई सवेरे भैया कितना बजे खुलता है आप लोगों का? सवेरे 10:30-11 बजे खुल जाता है, रात का 12 बजे तक, मतलब 12 घंटा आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगा। अंदर में एसी भी है भाई, बहुत रिजनेबल प्राइस है, इतना कम में तो ढाबा में तो नहीं मिलेगा इतना। आप लोग देख लो यहाँ पे इतना सारा पार्किंग का जगह है, यहाँ पे बैठने का जगह है, ओपन एयर में भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज, और सबसे बढ़िया चीज लगा अल्कोहल फ्री जोन है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं और कहीं जा सकते हैं तो जाएंगे, तो वो भी चीज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ पहले यहाँ से। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल तो जो रात में आए तो सो गए, अभी सुबह उठ के देखो बाहर में कितना धूप है। अभी चले आए हैं भाई एक बाइक देखने के लिए, वो औरूप है, उसके भाई के लिए भी एक बाइक लेगा, मैं भी एक बाइक लूंगा, सोचा हूँ सेकेंड हैंड ले लेते हैं। तो ये देखो इधर में आ गए हैं देखने के लिए कैसा कैसा बाइक है भाई। ये वाला थोड़ा सा बजट के बाहर जा रहा है, देखते हैं ये सब में थोड़ा सा कम प्राइस है, इसमें देख के चूज करते हैं कौन सा है क्या है नहीं है, वो आप लोगों में बता देते। अच्छा कंडीशन में ही है, ठीक है सेकेंड हैंड के लिए बोल सकते हो, ठीक है देखते हैं चला उला। भाई ये वाला गाड़ी पसंद आ रहा है और उपका भाई के लिए, ये 55 दाम बोल रहा है, ठीक है
भाई 700 किलोमीटर गाड़ी चला है और मुझे ना ये साइन पसंद आ रहा है, 30 के आसपास दाम बोल रहा है और ये भी 30 के आसपास दाम बोल रहा है और ये दोनों 75, मतलब ये 1.5 साल का गाड़ी है, 75,000 रुपये दाम बोल रहा है। और ये वाला जो जुपिटर फुपिटर जो भी है, जुपिटर और एक्टिवा, ये 45 करके दाम बोल रहा है। तो मेरे को तो ये वाला पसंद आ रहा है और ये दोनों में से कोई एक, और उसका भाई के लिए ये वाला, ये दोनों 45,000 रुपये करके, ये दोनों साइन देखते हैं कौन सा पसंद आता है। मेरे को ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद, साइन सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है मुझे, पुराना वाला जो साइन है, देखते हैं। तो भाई यहाँ बाइक देख के तो मैं चला आया, मुझे वो बाइक थोड़ा सा चला के देखा मैं, तो वो बाइक थोड़ा सा मुझे वो चीज़ खटका है, थोड़ा सा साउंड निकला था इसलिए मुझे पसंद नहीं आ रहा है, फिर मैं वहाँ से चला आया। आप लोगों को अगर नॉलेज होगा कि कलकत्ता में अच्छा सेकेंड हैंड बाइक कहाँ मिलता है, कौन सा दुकान में मिलता है, ये थोड़ा मुझे कमेंट करके बता देना। मेरा बजट वही पकड़ लो 30-35 के आसपास, इससे ऊपर मैं नहीं बढ़ सकता। तो देखते हैं, मेरा दोस्त भी गया था, उसको भी एक लेना था, तो वो थोड़ा सा शायद फाइनल कर लेगा, वो एक बार वो सर्विस सेंटर में दिखा के फिर वो फाइनल कर लेगा, उसको पसंद आया ये। हाँ, और एक चीज़, मैं हम लोग जहाँ पे कल खाने के लिए गए थे ढाबा में, वो आप लोग जाके एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत जगह जाते हो आप लोग, एक बार जाके ट्राई कर सकते हो, नया नया जगह में एक बार एक्सप्लोर करके देखना चाहिए खाना कैसा। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, खाना मुझे बहुत अच्छा लगा था, हो सकता है आप लोगों को भी अच्छा लगा, हो सकता नहीं भी लग सकता है, ये टोटली टेस्ट बट के ऊपर है बात आता है। तो चलो, ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, खास करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें फॉलो करके देख देना। चलो टाटा बाय बाय, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा क्या देते हैं। टाटा टाटा।